बच्चों कल की क्लास में हम उष्मा के बारे में पढ़े, ताप के बारे में पढ़े ना, और जाने उष्मा क्या है, ऊर्जा है। और एक वस्तु से दूसरे वस्तु, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उष्मा क्या होती, बहती। देखे ना, हम बहाव को देख नहीं पाते, लेकिन उसके बहने के कारण जो प्रभाव होता है उसको महसूस कर सकते हैं। कल हमने तरह तरह की एक्टिविटी के द्वारा ये सब जाने, और आपके ओर जो उष्मा बहती है भी देखे ना, उष्मा कहाँ से कहाँ बहती है, अधिक ताप से कम ताप। अब उसमें बहती है तो आप लोग जान गए, तो किस तरीके से वह एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक पहुंचती है, आज हम उसको उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं उष्मा का संचरण। संचरण का मतलब क्या है, संचरित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना। तो आप लोग तैयार है इसकी विधियों को जानने के लिए, तो चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो उष्मा संचरण का मतलब क्या है, उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक पहुंचना। अब दूसरी विधि उष्मा संचरण की संवहन, दूसरी विधि कौन सी है, संवहन। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। अब ये कन्वेक्शन मतलब क्या होता है, जब हम चालन पढ़े तो हमने पढ़ा कि धातुएं मतलब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में होना चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए, ताप में अंतर होना चाहिए। अब संवहन में क्या होता है, संवहन द्रव और गैसों में होता है। गैसें हम लोग जानते हैं कि गर्म होती हैं और हल्की होकर ऊपर उठती हैं। गैसें गर्म होके क्या होती हैं, हल्की होती हैं, हल्की होके क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं और बाहर निकल जाती हैं। पानी आप लोग घर में गर्म करते हो, दूध गर्म करते हो, उसमें क्या होता है, कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। द्रव में कण क्या होते हैं, दूर दूर, और गैस में तो और दूर दूर होते हैं। आपस में संपर्क में है क्या ये, नहीं। वे क्या करते हैं, द्रव और गैसों में संवहन के द्वारा जब ये उष्मा पाता है, ये क्या पा रहा है, उष्मा क्या पा रहा है, उष्मा हल्का होगा और तुरंत यहाँ से उठते यहाँ चला जाएगा। ये इसको उष्मा नहीं दिया, चालन में क्या होता है, इसको उष्मा दे रहा है, क्या हो रहा है, इसमें अपना स्थान बदल दिया, इसकी जगह कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये उष्मा पाके गर्म होगा, फिर ये भी चला जाएगा, फिर ये इसके स्थान पे आएगा। ये प्रक्रिया इसको बोलते हैं संवहन धारा, इसको क्या बोलती है, संवहन धारा। और यह प्रक्रिया जब तक चलते रहती जब तक कि सारे के सारे कण गर्म ही होते। जैसे अभी हमारा पानी गर्म हो रहा है, एक एक कण पानी का गर्म होगा और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। जितना कटोरी में पानी, जब सारे कण गर्म हो जाएंगे और टेम्परेचर 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा, उसके बाद हम जितनी भी उष्मा देंगे, सारी की सारी उष्मा सिर्फ पानी को उबलने में लगेगी। पानी किसमें बदलेगा, भाप में। किसमें बदलेगा, भाप में। अब मैंने आप लोगों को संवहन धारा बता रही थी, तो हम संवहन धारा का प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे गर्म होके हवा ऊपर उठती है। ठीक है, गोल गोल कागज को काटा है, कागज का टुकड़ा लिया और उसको कैसे काट दिया, जैसे मैंने टुकड़ा लिया ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, गोल गोल काट के एक पेपर में मतलब पेन में फंसा दिया, रेत भर के स्टैंड, और नीचे मैं क्या कर रही, मोमबत्ती जला रही। अब ये मोमबत्ती की हवा गर्म होगी और ऊपर जाएगी, इसको कहेंगे। आप लोग को स्पाइरल बैंड घूमते हुए दिख रहा है ना, यस मैम। ये संवहन धारा, हवा क्या हो रही है, मोमबत्ती की लपट से गर्म हो रही है, और गर्म होने के बाद ऊपर की ओर चढ़ रही है। ऊपर चढ़ने से क्या हो रही है, जो कागज का स्पाइरल उसको क्या कर रही है, घुमा रही है। तो संवहन धारा इसी तरीके से चढ़ती है। देखो ज्यादा पास लाएंगे तो कागज आग पकड़ देगा। इसको हम तीन चार मोमबत्ती के साथ भी कर सकते हैं, चारों तरफ ज्यादा मोमबत्ती रखते ना। अब हम इसी का एक और प्रयोग करते हैं, पानी डाल के इसको खंगा लेंगे। इसके अंदर की हवा को क्या कर दिए, गर्म कर दिए। अब इसको तुरंत इसमें डालेंगे। इसको आपने मोमबत्ती के साथ किया, अभी हमने मोमबत्ती नहीं रखा, दिख रहा है पानी चढ़ रहा ऊपर, यस मैम। इसमें बॉटल में दिख रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, पानी चढ़ा, दिखा है देखो सब लोग को, यस मैम पानी चढ़ गया, यस मैम। हमने तो मोमबत्ती मोमबत्ती कुछ नहीं डाली थी, अभी तक हमने इसको मोमबत्ती के साथ किया है ना, अब पानी ऊपर चढ़ गया। कैसे चढ़ा भाई, क्या हुआ, जब मैंने इसके अंदर गर्म पानी डाला था, इसके अंदर क्या डाला था मैंने, गरम पानी, इसके अंदर कुछ हवा थी, वो गरम होके क्या हुई, संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठी, क्योंकि हवाएं क्या होती है, गरम होके ऊपर उठती, और ऊपर उठ के कहां हो गई, बाहर निकल गई, तो यहाँ पे खाली जगह आ गई।
और जब हम इसको उल्टा किए तो उस खाली जगह को भरने के लिए बाहर का वायुमंडली दबाव इस पर दबाव डाला, इसमें चढ़ गया, चढ़ा ना, इसमें वायुमंडली दाब भी काम किया। तो संवहन धाराएं मतलब वही है कि हवा गर्म होके कैसे होती है, ऊपर की ओर उठती है। इसके अंदर हमको क्या करना है, ये जा रही है क्या अंदर? नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको जलाएंगे। नहीं फूटता नहीं, नीचे जाता है। अभी अंदर कैसे चला गया? क्योंकि उसमें जब हमने इसमें कागज डाला तो क्या किया, अंदर की हवा को गर्म कर दिया कागज, और हवा हल्की होके क्या हो गई, ठंडी। हवा गर्म होके क्या हो गई, ठंडी, और गिलास की क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो अंदर गिलास में हवा की कमी हुई, हवा कम हो गया, वायु दाब कम हो गया, तो ये बैलून जो है पानी से भरा इसके अंदर जाने लगा, क्योंकि उस स्थान कितनी इस गिलास में जगह हो गई, और बाहर का वायुमंडलीय दाब भी इस पर काम कर रहा है। तो ये संवहन धारा को स्पष्ट कर रहा है ना, yes, कि हवा गर्म होके क्या होती है, हल्की होती है। कहाँ उठती है, ऊपर। अगर नीचे उठती, नीचे जाती तो नीचे ही रहती ना, बाहर कैसे निकलती, गिलास में तो नीचे पेंदी, कहाँ से निकली, यहाँ से गर्म हुई, हल्की होके ऊपर आई, ऊपर से क्या होगी, बाहर निकल गई, लॉक हो गया। देखो हम बैलून से कांच के गिलास को उठा लिए, अब ये लॉक हो गया, हो गया ना, एक और जादू हो गया। अब इसका भी बहुत सारा उपयोग है दैनिक जीवन में। जब हवा क्या होती, गर्म होती, जैसे अभी रूम में, तो कहाँ होगी, ऊपर उठेगी। और अगर यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होगा, रोशनदान नहीं होगा, तो आपके रूम की हवा कहाँ निकलेगी, बाहर, बाहर नहीं निकल पाएगी। रोशनदान है तो गर्म हवा क्या हो गई, बाहर निकल गई। चिमनी देखे हो, किचन में चिमनी लगे रहती, क्यों लगे रहती, क्योंकि धुआं क्या होता है, गर्म होकर ऊपर उठता और चिमनी से बाहर निकल आता। अगर चिमनी नहीं होगी तो धुआं कहाँ जाएगा, धुएं में भरेगा और खाना बनाने में दिक्कत होगी। और अगर कारखाने में हम ऐसा काम करेंगे तो प्रदूषण हमारे ऊपर आएगा ना, तो चिमनियों को और ऊंचा कारखाने में बनाते हैं, क्योंकि धुआं क्या है, एक प्रकार की हवा है ना, कारखाने से निकल रहा है, और गर्म होकर क्या होता है, हल्का होकर ऊपर जाता है और चिमनी के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है, ताकि आसपास वायु प्रदूषण ना हो। तो ये सब दैनिक अनुप्रयोग है संवहन धारा के। अब मैंने बताया था चालकता का एक प्रयोग, कि जब पानी, मैंने बताया गर्म होके एक कण ऊपर जाता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए कि पानी की जो संवहन धारा है नीचे से ही ऊपर जाती, ऊपर से नीचे नहीं जाती, हम एक प्रयोग करेंगे। हम लाए बर्फ और हम लाए टेस्ट ट्यूब। अब हम उस टेस्ट ट्यूब को टंग की सहायता से गर्म करके पानी उबालेंगे। ये हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब है ना। अब इसमें पानी डालेंगे और ये बर्फ का टुकड़ा। इस प्रयोग में हम क्या कर रहे हैं, बर्फ को एक तो रबड़ में बांध के नीचे तरफ डाल रहे हैं और पानी को भर के क्या कर रहे हैं, ऊपर से गर्म कर रहे हैं। अगर पानी उसमें का सुचालक होगा तो नीचे की बर्फ पिघल जाएगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पानी उबलना चालू हो जाएगा। ये देखो यहाँ से दिख रहा है सबको पानी उबलने लगा। अब हम देखते हैं अंदर की बर्फ पिघली है कि नहीं निकाल के, ठीक है। बर्फ को निकालते हैं, और अंदर की बर्फ नहीं पिघली, इसे पता चलता उष्मा पानी क्या, उष्मा का कुचालक क्या है, कुचालक। और संवहन धाराएं नीचे से ऊपर की ओर बहती, कहाँ से बहती, नीचे से ऊपर की ओर। अगर ऊपर से नीचे की ओर बहती तो ऊपर का पानी गर्म होकर नीचे आता, आता ना, और बर्फ को पिघला देता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि गर्म होने के कारण क्या होते हैं, हल्के ऊपर ऊपर जाते हैं, और इसी आधार पर वेंटिलेशन बना होता है। तो आप लोग को भी संवहन समझ में आ गया, जैसे मैंने चालन में बताया था कण से कण जा रहा है, संवहन में मैंने क्या बताया था, ऐसे मैं फेंक दू यहाँ से, पूरा यहाँ से यहाँ खड़े खड़े में पीछे ऐसे फेंक दू उस बच्चे का, तो क्या हो गया, संवहन। तो आज की क्लास कैसी लगी, बहुत अच्छी। मिलते हैं अगली क्लास में। यस मैम, वेलकम मैम।